Hey guys, welcome back on Indian Reaction on Cricket. तो गाइस सारा दुख खत्म ही नहीं हो रहा है पाकिस्तान में भाई, कितना दुख है भाई। मैच तो रख दिया, स्टेडियम भी टूटा है, ठीक है, मैच अनाउंस कर दिया, स्टेडियम भी टूटा है, और साला अब तो इतना दिक्कत हो गया है कि भाई ब्रॉडकास्टर ने मना कर दिया है। तो गाइस चलो ऐसी बात पे गाइस चलो गाइस सीधा उमर भाई के पास चलते, उमर भाई से सुनते कि भाई ब्रॉडकास्टर का क्या सीन है भाई। चलो गाइस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं उमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अफजल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब लाइक मिल जाएगा। और जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते, नमस्ते भाई नमस्ते। घंटा घंटा बजाने आ गया मैं, क्योंकि भाई बात ही ऐसी है, क्योंकि देखें एक चीज होती है, घंटा लेके आ गया भाई, प्यारी होती है भाई, हमें बजाओ आके, तो फिर बजाना तो बाबा का कौन बजाएगा, सही हो जाता है, बजाना ही बजाना है। अब आपको पता है कि ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तान पीसीबी का पकड़ के घंटा बजा दिया, मतलब जो जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज है ना, उसके लिए कोई ब्रॉडकास्टर नहीं मान रहा, मीडिया राइट्स नहीं बिक रहे पीसीबी के। आप अंदाजा लगा लो कि जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज है ना, जो अक्टूबर में खेली जाएगी सर, उसके लिए कोई भी ब्रॉडकास्टर रेडी नहीं हो रहा मीडिया राइट्स खरीदने के लिए। अब मतलब कोई भी ब्रॉडकास्टर ही नहीं है, तो क्रिकेट मेरे एल पे होगी, क्रिकेट मेरे छनकने पे होगी। आप खुद बता दो ना कि हमारी क्रिकेट, लोग पता क्या कहते हैं ब्रॉडकास्टर क्या कह रहे हैं, हम इस जानटू टीम पे अपने पैसे वेस्ट नहीं कर सकते, हम इस जानटू टीम पे अपने पैसे वेस्ट नहीं कर सकते। आप अभी रो रहे हो बैठ के, पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, लोग रो रहे हैं कि जी ये क्या हो गया, ब्रॉडकास्टर ने जो है वो मीडिया राइट्स लेने से इनकार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई आपका खुद कसूर है ना, आपकी टीम ऐसा क्या कर रही है कि ब्रॉडकास्टर आप पे पैसे लगाए, ब्रॉडकास्टर आपकी टीम को खरीदे, लास्ट टाइम मीडिया राइट्स खरीदने थे वो तो बच गए ना, पकड़ गया पीसीबी मुंह पे मुंह लाके बैठ गया, अब इनका करें क्या, करें तो करें क्या। भाई कहने का मकसद ये है कि आपकी क्रिकेट इतनी ज्यादा घटिया बन चुकी हुई है कि आप लोगों को अब तो ब्रॉडकास्टर भी नहीं मिल रहे। आप टीम इंडिया को देखो भाई, और लाइनों में ब्रॉडकास्टर लगे होते हैं, जरा नेट पे गूगल पे सर्च मार के देखना टीम इंडिया के ब्रॉडकास्टर कौन है, पता चल जाएगा आपको। इस टाइम जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज है, जिसमें टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे, तीन टेस्ट मैच, उसके लिए ना तो कोई बाहर का ब्रॉडकास्टर इंटरनेशनल और ना कोई पाकिस्तानी, किसी ने भी ब्रॉडकास्टर राइट्स लेने से इनकार कर दिया है। लोग दिलचस्पी भी नहीं ले रहे इसमें, लोग कहते हैं कि इस 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 घटिया टीम में, इस जानटू टीम में बाबर को हम निकालो, क्या पहला करेंगे, हम ब्रॉडकास्टर खरीद के क्या करेंगे, ना तो ये टीम परफॉर्म करती है, देख लो करेक्ट देख लो ना, अब देख लो ना, अब देख लो ना, बच गया घंटा। अब ये सबसे बड़ी इंसल्ट है कि आप लोग क्रिकेट करवा रहे हो लेकिन ब्रॉडकास्टर मीडिया राइट्स वाले नहीं खरीद रहे आपको, ये सबसे बड़ी इंसल्ट है। अब मेरी बात सुनो, जो उन्होंने सीधी बात की है भाई, इस जानटू टीम पे हम पैसे नहीं वेस्ट करेंगे। अब ऑब्वियसली बात है, मेरी जान बात सुनो, बड़ी जबरदस्त बात बताने लगा हूं। जो टीम यूएसए से हारेगी एक दिन में दो बार, जो टीम जिम्बाब्वे से हारेगी वर्ल्ड कप में, जो टीम वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हारेगी, जो टीम जो है वो हर जगह हारेगी, मुंह काला करवाएगी, अब उस पे फिर ब्रॉडकास्टर क्यों अपना पैसा जाया करेगा, करेगा जाया। अब मैं कोई टूर्नामेंट करवा रहा हूं, मुझे पता है यार ये टीम ही फर्क है, तो मैं उस पे पैसे क्यों लगाऊंगा, मैं उसको ब्रॉडकास्ट क्यों करूंगा। भाई ब्रॉडकास्टर नहीं है आपके पास, आप मेरा छनकना पैसे कमाओगे, नहीं किस कौन सा ब्रॉडकास्टर है आपका बता दो ना, इंडिया का निकाल। और सीन क्या है ना भाई, कि मैच देखने में गाइस, ठीक है सच्ची बोल रहा हूँ, कि मैच देखने भी कोई आता नहीं भाई, जबरदस्ती बुला बुला के बुलाते हैं कि भाई आओ देखो, ऐसा ऐसा ग्रो नहीं होगा भाई, आपके पास कल्चर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, मसला गाइस यही है मसला, कि भाई जो टीम में गाइस जो पॉलिटिक्स चलता है ना गाइस, वो हटाना है भाई, वो हटाना है, नए लोग को चांस दो, ऑटोमेटिकली आएंगे यार, नए लोग को चांस देके पब्लिक सपोर्ट करने क्यों नहीं आएंगे भाई, तुम वही लोग का चार साल से गाइस जलील हो रहे भाई, जलील जलील वर्ड सुन लो भाई, जलील चार साल से गाइस, पाकिस्तान पता नहीं कब जीता है भाई टेस्ट मैच, पता नहीं भाई, आप बताओ। देखो भाई करोड़ों खरबों अरबों मिलियन बिलियन ट्रिलियन में पड़े हुए उधर पैसे,
लोग तरस रहे होते हैं, हम करेंगे, हमें लो लाइनों में लगे हुए हैं, लाइनों में, और इधर लाइनें तो दूर की बात है, इधर लाइन लाइन हमारी लाइन पे आवाम चढ़ी हुई है, समझो फिर कौन सी लाइन है भाई। कहने का मकसद ये है, देखो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान क्रिकेट कितनी अब नीचे जा रही है, अब कोई पैसे भी नहीं लगा रहा इस पे, कोई पैसे दे भी नहीं रहा, ब्रॉडकास्टर जो मीडिया राइट्स होते हैं भाई क्रिकेट में, इनका बड़ा नाम होता है, इन पे ही तो क्रिकेट चलती है, यही तो पैसे आते हैं तो क्रिकेट चलती है, अगर ये तो जो ब्रॉडकास्टर राइट है ना, जो पीसीबी का जो मेन यूट्यूब चैनल है ना भाई, मुझे लगता है अभी स्लोली स्लोली उधर ही लाइव स्ट्रीम चलना चालू हो जाएगा भाई, पैसे नहीं आते हैं तो भाई क्रिकेट तो बढ़ यूट्यूब से गई, कमा कमा के लोग क्रिकेट तो पहुंचे। बढ़ गई। मुझे तो लगता है ये जो पीसीबी कर रहा था वो सारा उल्ट पुल्ट हो गया भाई, क्योंकि आपके पास मीडिया राइट्स लेने के, ब्रॉडकास्टर आप पे पैसे नहीं लगा रहा, इंटरनेशनल और कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी कंपनी इस टाइम उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई हम इस टीम पे तो कम से कम कुछ पैसे नहीं लगाएंगे, हम इस टीम पे तो कोई कुछ नहीं करेंगे। अब हुई है दो से तीन डीलें हुई हैं, जो सबसे बड़ी बोली लगी है ना पीसीबी, पता क्या कह रहा था पीसीबी, कह रहा था कि 30 मिलियन, 30 मिलियन दो, तो 30 मिलियन में ब्रॉडकास्टर 30 मिलियन दो ले जाओ, मीडिया राइट्स में 3 मिलियन दो, 30 मिलियन, और जो सबसे बड़ी बोली लगी है पता है कितनी लगी है, 7 मिलियन की, 7 मिलियन की लगी है, 7 मिलियन की, अंदाजा लगा लो 7 मिलियन, और वो 7 मिलियन में भी कुछ तीन चार जो है वो कंपनी ने तो पता कितने लगाए, कोई 2 मिलियन लगा रहा है, कोई 3 मिलियन लगा रहा है, कोई 3 साल की है, ये 3 साल की, 3 साल की 7 मिलियन लगी है, 3 साल मीडिया राइट्स खरीदने की, 7 मिलियन मिलेंगे, 7 मिलियन में मेरा छनकना होगा इधर, पीसीबी 30 कह रहा था और उन्होंने भाई 7 मिलियन दिए हैं, और इतनी खज्जल खराबी करने के बाद भी ना अगले 7.5 पे आए हैं, 7 पे 14 और 14 से 21 पे नहीं गए, 7.5 पे आए हैं, अंदाजा लगा लो कि वो किधर गए मेरे घंटे के फैन, किधर गए वो जो कहते थे बाबर आजम को देखने के लिए लाइनें लगी हुई हैं लोगों की, बाबर आजम को देखने के लिए लोग पागल हुए हुए हैं, बाबर और शहीन को देखने के लिए अवाम लाइनों में लगी हुई है, तो ब्रॉडकास्टर पैसे क्यों नहीं लगा रहे, आपके जो मीडिया राइट्स हैं वो बिक क्यों नहीं रहे, तो सही बात है। भाई 7 मिलियन में तो भाई केला भी बिक जाता है, तो आप नहीं बिक रहे मुझे बता दो ना, ओ भाई मारो आपकी भाई। औकात अब इतनी रह गई है, आपका बाबर आजम सबसे बड़ा नाम, नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी, रिजवान एक्टर, भाई लो ना फिर, रिजवान एक्टर पता क्यों नाम ना रख लो दिया ना, भाई, लोगों मॉल में को इनकी लिपस्टिक। नौसरबाजियां, ये जो योमोलोप होते हैं इनके सारे पता चल चुके हैं, करेक्ट। ये ड्रामेबाजी करते हैं, कोई बड़े नाम नहीं है, ये ओवररेटेड लोग हैं, इनको इनकी सिर्फ हाइप क्रिएट की जाती है, वैसे ये क्रिकेट में हागते हैं आके। अब एक मेरी बात सुनो, जब मीडिया राइट्स नहीं बिकेंगे, मतलब ब्रॉडकास्टर पैसा नहीं लगाएगा आप पे, ठीक है, उसका उसका नुकसान क्या होगा, फैंस नहीं आएंगे, ग्राउंड खाली पड़े होंगे, फैंस नहीं आएंगे मैच देखने, ब्रॉडकास्टर नहीं आएगा, ब्रॉडकास्टर नहीं आएगा तो क्रिकेट किस तरह होगी, क्रिकेट किस तरह होगी, अब ब्रॉडकास्टर आपको खरीद नहीं रहा, पैसे नहीं लगा रहा आप पे, फैंस आपके क्रिकेट में ग्राउंड में मैच नहीं देखने आ रहे, तो इससे पीछे इंसल्ट फिर क्या रह गई, सही है। इसके पीछे फिर इंसल्ट क्या रह गई, पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज में ब्रॉडकास्टर पैसे नहीं लगा रहा, सोचो चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होगा फिर, चैंपियंस ट्रॉफी में इंसल्ट होगी, चैंपियंस ट्रॉफी में फिर जलालत होगी, इतनी ज्यादा हमारी क्रिकेट, कभी आपने जिंदगी में सुना ऐसा कि किसी क्रिकेट टीम ब्रॉडकास्टर के लिए रो रही है, तो भाई जिम्बाब्वे को ब्रॉडकास्टर मिल जाता है उसके उनके लेवल का, वेस्ट इंडीज को मिल जाता है यार, मतलब आपने कभी सुना है, और हम ना, और हम मुकाबला अपना इंडिया से कर रहे होते हैं, हम अपना मुकाबला इंडिया से कर रहे होते हैं, हमेशा तो करते जी हैं भाई, इंडिया 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 हमेशा, इंडिया 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 को हम हरा देंगे, हर एक इंडिया हमारे क्रिकेटर, का हर कुछ एक नहीं है, हम मीडिया मुकाबला पाकिस्तान अपने का, इंडिया से कर रहे होते हैं, और हम करेक्ट। नीचे जिम्बाब्वे से हैं, मुकाबला इंडिया से कर रहे हैं, और हमारा मुकाबला सर जिम्बाब्वे से भी नहीं बनता, वो तो है। कितने को फैन है बाबर आजम के लिए, बाबर आजम के दुनिया से बाहर, विराट कोहली इंडिया का प्लेयर है ना, मैं कसम उठा के कहता हूँ बाबर से ज्यादा फैन विराट कोहली के पाकिस्तान में है, मैं कहता हूँ 10 गुना ज्यादा फैन विराट कोहली के पाकिस्तान
पाकिस्तान में बाबर आजम से ज्यादा। बाबर आजम के कितने को फैन है इंडिया में? कोई भी नहीं है। बाबर आजम का कितने को फैन है वर्ल्ड से बाहर, इस पाकिस्तान से बाहर? कुछ भी नहीं है। विराट कोहली के हर दुनिया के कोने कोने में जहां क्रिकेट देखी जाती है वहां विराट कोहली को देखा जाता है। लोग जानते हैं क्रिकेट को विराट कोहली की वजह से है यार। अगर किसी को क्रिकेट का नहीं ना पता तो विराट का पूछो, हाँ यार वो क्रिकेट विराट कोहली बड़ा अच्छा प्लेयर है भाई। लोगों लोगों के माइंड में क्रिकेट का दूसरा नाम विराट कोहली क्या हुआ है? करेक्ट। आप देखो इसमें मेरी, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आप लोग खुद ही कहते हो बाबर आजम बहुत बड़ा नाम है, बिग मार्केट है, ब्रांड है, फलाना है, टमकाना है, ये है वो, तो ब्रॉडकास्टर पैसा क्यों नहीं लगा रहा? देखो जो ब्रॉडकास्टर है ना गाइस, ठीक है, ब्रॉडकास्टर भी ब्रॉडकास्टर को भी पैसा कमाना है। ऐसा नहीं कि भाई मेरे पास 100 रुपये है, ठीक है, और मैं 100 रुपये है मेरे पास, और मेरे पास बोलते ना मैं लोन लेके भाई मैं 150 रुपये इन्वेस्ट करूँ, 150 रुपये इन्वेस्ट करूँ और मैं उसमें कमाऊँ 80 रुपया, तो मैं क्यों घाटे में जाऊँ यार? तो ब्रॉडकास्टर का भी मेन पर्पज यही है कि भाई अगर देखो गाइस, जैसे हम लोग कोई ओलंपिक से कोई मेडल जीतते तो गाइस उस पब्लिक लोग बोलते हैं भाई तुम मेरा ऐड करो, भाई मेरा ऐड करो, भाई वो डिजर्व करता है वहाँ से वो ऐड लेना। क्रिकेट में भी वैसे ही है, क्रिकेट में देयर इज नो परफॉर्मेंस, टेस्ट मैच वो भी ऊपर से टेस्ट मैच भाई जो कोई देखने वाला ही नहीं, मतलब समझ मतलब हारने वाली है, तो भाई उसमें पैसा लगा के भाई पाकिस्तान का कौन डूबेगा? तो गाइस दिस इज अ फैक्ट वाली बात है, एकदम जेन्युइन बात है भाई। कोई अगर इंडिया, देखो इंडिया में अगर बोलते ना इंडिया टेस्ट मैच को गाइस एकदम टॉप प्रायोरिटी रखती है भाई, टॉप प्रायोरिटी। पाकिस्तान में वैसा नहीं है, पाकिस्तान में मतलब भाई अभी आज के टाइम पे भाई सबको 2020 ही खेलना है, किसी को खेलना ही नहीं 50 ओवर, मतलब 50 ओवर भी एकदम ज़्यादा बोल दिया भाई, मतलब किसको टेस्ट मैच खेलना ही नहीं है पाकिस्तान में, ऐसा ये कल्चर चल रहा है भाई। तो डोमेस्टिक जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है गाइस, ठीक है, उनको मौका मिल रहा ही नहीं है। पहली बात तो डोमेस्टिक प्लेयर्स लोग को मौका ही नहीं मिलता है। अभी भी उन लोग ने जो अनाउंसमेंट किया प्लेयर्स लोग का गाइस, 11 प्लेयर्स, तो गाइस देखो वही 11 प्लेयर्स आप लोग को दिखने वाले हैं। तो गाइस कोई फायदा ही नहीं ब्रॉडकास्टर का, तो इसलिए गाइस ब्रॉडकास्टर ने भी बोला कि भाई कुछ मतलब नहीं है, चुपचाप से भाई कुछ जो भी छोटा मोटा है गाइस वही करते हैं, इससे अच्छा। तो गाइस आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आ गया रहेगा गाइस, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो गाइस आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मैं आप लोग को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी गाइस, थैंक यू सो मच।